नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन आपका एस्ट्रो दोस्त स्वागत करता हूं आप सभी का novabharattimes.com में। दोस्तों, गुरु ग्रह 20 नवंबर 2021 को शनि के स्वामित्व वाली कुंभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस समय गुरु ग्रह शनि की ही स्वामित्व वाली मकर राशि में विराजमान है। गुरु के कुंभ राशि में प्रवेश करने से राशि चक्र की सभी राशियों पर कुछ न कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ राशियों के लिए गुरु का यह गोचर बहुत ही शुभ फलदायक साबित हो सकता है। ऐसे में दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही 5 राशियों के बारे में जानकारी देंगे जिनकी किस्मत गुरु के कुंभ राशि में गोचर से चमक सकती है। मेष राशि। गुरु का गोचर आपके एकादश भाव में होगा, जिसे लाभ का भाव भी कहा जाता है। इस भाव में गुरु ग्रह के प्रवेश करने से इस राशि के कारोबारियों और नौकरी पेशा लोगों को मनचाहे परिणाम मिल सकते हैं। वहीं जो लोग बेरोजगार हैं, उनको भी गुरु गोचर के प्रभाव से नौकरी मिल सकती है। इस दौरान बड़े भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध सुधरेंगे और आपके जरिए आपके भाई बहन को भी लाभ प्राप्त हो सकता है। गुरु के इस गोचर से आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर इस राशि के लोग सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। वृषभ राशि। आपके कर्म भाव में शुभ ग्रह गुरु का गोचर कार्यस्थल पर आपको मान सम्मान दिलाएगा। गुरु के गोचर से आपको बीते समय में किए गए अच्छे कार्यों का शुभ फल मिल सकता है। इस दौरान वृषभ राशि के कुछ जातक नौकरी छोड़कर अपना व्यवसाय शुरू करने का विचार बनाते भी नजर आ सकते हैं। यदि आपके पिता बिजनेस करते हैं तो इस दौरान आप भी पिता के बिजनेस में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर शुभ फलदायक सिद्ध हो सकता है। मिथुन राशि। गुरु का गोचर आपके भाग्य भाव में होने से किस्मत का आपको साथ मिलेगा। आप जिस भी कार्य को इस दौरान शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। यदि आपको शिकायत है कि किस्मत आपका साथ नहीं देती, तो गुरु के कुंभ राशि में प्रवेश करने से आपकी यह शिकायत दूर हो सकती है। इस राशि के लोग गुरु गोचर के दौरान कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं और उस कार्य से लाभ मिलने की भी पूरी संभावना है। गुरु के गोचर से आपके मन की चंचलता भी कम हो सकती है। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के पंचम भाव में गुरु ग्रह गोचर करेंगे। गुरु के गोचर से इस राशि के विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। कुछ छात्रों को इस दौरान विदेशों में जाकर पढ़ने का मौका भी मिल सकता है। वहीं पंचम भाव में विराजमान गुरु इस राशि के लोगों के प्रेम जीवन में भी 4 चांद लगा सकते हैं। तुला राशि के लोग गुरु के गोचर से अपनी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह लोगों के सामने व्यक्त कर पाएंगे, जिससे लोगों के बीच इनके मान सम्मान में वृद्धि होगी। कुंभ राशि। इस राशि वालों को गुरु के गोचर के बाद किस्मत का साथ मिलेगा, क्योंकि गुरु का गोचर आपकी ही राशि में होगा। इस दौरान आपकी मानसिकता में सुधार आ सकता है। आप अपने ज्ञान से कार्य क्षेत्र में भी शुभ फल प्राप्त करने में कामयाब होंगे। इस दौरान कुंभ राशि के जातक आध्यात्मिक गतिविधियों में हिस्सा लेकर मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग विवाह योग्य हैं, उनको इस दौरान योग्य वर या वधु मिल सकते हैं और उनसे विवाह होने की भी पूरी संभावना है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें novabharattimes.com। नमस्कार।